जाहिर सी बात है गैस, जब कोई वैकेंसी आती है तो बच्चे के मन में काफ़ी सारे डॉट बनती है। यूके PPSC स्टेनोग्राफर में काफ़ी सारे यूके में वैकेंसी आ रही है और आने की और भी संभावनाएँ बताई जा रही है। सो गैस मैं बता दूँ, आप लोग न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा गैस, कुछ प्रीवियस ईयर हो या एटलीस्ट मैं इसका जो आपको इस पर जॉब लग जाने के बाद कौन सा काम होगा, क्या काम होगा, सो मैं ये वीडियो आप लोग को 1-2-3-4 दिन में प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। सो और मैं बता दूँ जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, आम जनरली सिलेबस, सैलरी, ठीक है। सो एक एक करके मैं डिस्कशन करूँगा इस वीडियो में, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। सो देखते हैं आगे की ओर, टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा, कुछ छूटेगा बढ़ेगा मैं टेलीग्राम पे कवर करवा दूँगा या नहीं तो चैनल पे ही कवर कराता हूँ बेसिकली मैं, तो बेल आइकन दबा कर जरूर रखिएगा, ठीक है। मैंने एक अभी थोड़ा देर पहले जस्ट मैंने एक वैकेंसी और आई थी आपका एक कंटेंट का, उसका भी फॉर्म का स्टार्टिंग डेट कब है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दिख रहा होगा कि नहीं, एक मिनट कवर करता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 31/7 से और 14 तक आपका इसका भी फॉर्म डेट है, तो जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी इस फॉर्म को आप लोग फिल कर देंगे। 300 रुपये है और 150 रुपये, बेसिक बात को मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है, जो आप लोग समझते ही होंगे, हर बच्चे समझते होंगे, ठीक है, ताकि वीडियो में शॉर्ट टाइम तक मैं आप लोग को हर चीज़ समझा दूँ, ठीक है। और जाहिर सी बात है 1/7/2019 तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए, ठीक है, 18 और मैक्सिमम 42 साल वाले बच्चे एलिजिबल हैं। 158 सीट है और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10+2 होना चाहिए, एनी कोई भी बोर्ड होना चाहिए, उसमें आपका कॉमर्स होना चाहिए, बट इस एग्ज़ाम में कॉमर्स वॉमर्स कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट इसमें आपको टाइपिंग ज़रूर है, ठीक है। सो आप लोग के पास टाइपिंग होना चाहिए, ठीक है, ये आप लोग का दे रखा है, आपका टाइपिंग होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है ना, और वो 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। सो सर्टिफिकेट 1 ईयर आप लोग का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, टाइपिंग आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए, स्टेनोग्राफर का ही काम यही होता है गाइस। सो मैं वीडियो में 1-2 दिन में वीडियो कवर करके बता ही दूंगा, ठीक है। सो ज़्यादा शेयर करना ताकि बच्चे के पास ज़्यादा आएगा, तो मैं व्यू के अनुसार ही वीडियो कवर करता हूँ, ठीक है, तो कोशिश करना ताकि ज़्यादा बच्चा रहे तो मैं एटलीस्ट मैं कवर करा दूंगा स्टेनोग्राफर का क्या काम होता है, बेसिकली जॉब एग्जाम में क्या आपको काम मिलेगा, ठीक है। सो देखते हैं आगे की ओर, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है ना, मैं वही चीज़ बताऊंगा जो काम के हैं, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बहुत कुछ दिया होता है, मैं ऑलरेडी चीज़ कवर कर चुका हूँ, ये बता चुका हूँ आपका एग्ज़ाम में, बता दूँ मेरिट सीट पे होगा, ऑनलाइन होगा, मैं देखा नहीं हूँ, बट इसमें 100% यही होगा, मेरिट सीट पे होगा, ठीक है। एग्ज़ाम 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और आपका 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग होगा, 1/4 होगा, मतलब 4 क्वेश्चन कीजिएगा तो अगर 4 गलती पे 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है, कुछ ये होगा, ठीक है। सैलरी का बात करें यहाँ पे, सो आप लोग देख सकते हैं, वेतन का बात करें तो 25,000 से लेकर 81,000 इसका सैलरी कुछ ज़्यादा है, सो डोंट वरी, एग्ज़ाम भी अच्छा खासा ही है, ठीक है। सो आप लोग का सैलरी ये मिलेगा, आपका उसका टेंशन ना ले, ठीक है, बाकी बात मैं बता रहा हूँ जो जैसे है कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह सब सेम ही होगा, और मैंने बताया था कि 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, 2 घंटा दिया जाएगा, सामान्य हिंदी, सामान्य जीके, सामान्य धन, मतलब जाहिर सी बात हिंदी सामान्य ज्ञान और जीके वगैरह आपका प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। सो कुछ ये होगा, और गाइस खुशी की बात तो ये है कि इसमें ब्रीफली एक सिलेबस तो दे रखा है, ठीक है, बाकी कुछ ऐसे ही है, 40% 45% इस चीज़ को आप लोग छोड़ देंगे, ध्यान से हटा देंगे, क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो सिलेक्शन जो होता है ना, जाहिर सी बात है जिसका ज़्यादा परसेंट होगा प्लस उस बच्चा को सेलेक्ट करेगा, तो ये चीज़ जान भी मत करो कि कितना पे होगा, कोशिश करो 70% से अबव लाएँ, ठीक है। सो कुछ ये आप लोगों को होगा, ठीक है, और आपका निगेटिव मार्किंग में बता ही दिया, ठीक है, जो मैं ऑनलाइन सीट बता ही दिया, कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे है, ठीक है, और भी देखता हूँ कुछ खास ऐसा चीज़ हमें मिल जाए, सो हम लोग देखते हैं, कोई भी ऐसा चीज़ गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन है वो आप लोग का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, मतलब जो मतलब एक होता है ना गोला वगैरह, अच्छा से थोड़ा सा फिल कीजिएगा, लिखा गया है, ठीक है, कुछ आयु वगैरह लिखा गया है जो काम का चीज़ नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है, अगर कुछ पूछना है तो बेचक आप लोग मुझे कमेंट करना है, टेलीग्राम पे आप लोग बच्चा से डिस्कशन कर लेना बाद में, नहीं तो मैं हूँ ही ऐसा नहीं कि नहीं है, और कुछ नहीं है, बाकी मैं आप लोगों को सैलरी वगैरह तो बता चुका हूँ, अब मैं आप लोग को एग्ज़ाम डेट बता देता हूँ, और एग्ज़ाम डेट के बाद मैं आप लोग को फोटोस आ जाए, ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, कुछ ये हैं, और तो कुछ खास तो है नहीं मुझे मिला, ठीक है। सो देखो गाइस, अब मैं बता दूं कि इसमें मैं जल्दी कवर कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम का अगर हम गाइस ब्रीफली से अगर सिलेबस आप लोग चाहते हैं एक एक करके ब्रीफली सिलेबस, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा आप लोग को ये भी चीज़ कवर कराने का। आपका एग्ज़ाम आफ्टर 3 मंथ इसका भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी पेंडेमिक छाया है और पुराना एग्ज़ाम यूके वाला भी बचा हुआ है, ठीक है, जब पुराना एग्ज़ाम नहीं हुआ तो ये एग्ज़ाम तो अभी दूर की बात है, तो 3 मंथ के बाद एग्ज़ाम हो सकता है। सो आप लोग बस काफ़ी टाइम है, तो कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके
मतलब फॉर्म फिल करने का और तैयारी चालू रखने का, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपको बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊँ ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जो हर रोज़ की तरह मैं एक दो दिन से नहीं ला पा रहा हूँ, सो मैं लाऊँगा। अगर आप लोग का ज़्यादा जनसंख्या में बच्चे मित्र टेलीग्राम पर जुड़ेंगे तो मैं ज़रूर लाऊँगा। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और फॉर्म जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भर दीजिए।